Assalamualaikum, welcome to back my US vlog team. तो विवर ये कहता हूँ आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। तो विवर आज हम आपको आरे का व्लॉग दिखा रहे हैं। आप हमारे टीवी देख रहे हैं, आरे चल रहा है, तो आपको मुकम्मल आरे का व्लॉग दिखाएंगे। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल US vlog team को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो विवर आपको दिखाते हैं, ये है आरा। यहाँ से आरे से लग कर करवानी है आपको, पुराने वक्त का ये है, काला ये कहते हैं, तो वो इंजन चलता है, ये बहुत पुराने वक्तों का इंजन है। तो ये है वीवर कपास निकालने वाली मशीन, ये कंटा पड़ा है, ये भी इंजन है वीवर। ये है जी लकड़ियाँ पड़ी हैं जो इसकी चिराई होगी, और ये है बहुत पुराने वक्तों का इंजन जो बहुत ही पहले वक्तों का इंजन होता था। ये अब इस वक्त भी चलता है, ये तीस दौर में ये इंजन चलता है, देख सकते हैं आप। ये लकड़ पड़ी है इसकी चराई होनी, और ये वो पुराने वक्त का इंजन वो सामने आ गया जी रेड़ी वाला। इस पर हम ये गद्दे रेड़ी हुए का मालिक है, इसकी हम इंजन के लकड़ लेकर आ जाएंगे। तो विवर देख सकते हैं लेबर काम कर रही है, लकड़ी की चिराई हो रही है, देखो बाले निकल रहे हैं। तो ये है कि गानों वाली शक्ति के साथ बताई दीजिए मेरा काम कर रही है। ये माशाल्लाह बहुत ही मेहनती मिस्त्री है, ये काम कर रहे हैं, लकड़ की किराई कर रहे हैं। फिर तो विवर जी आप देख सकते हैं आज मनाकर पुराने वक्तों का ये चल रहा है। यहाँ से ये आवाज़ देता है, हमें गंदम की पिसाई भी हुआ करती थी, अब नहीं है, अब सिर्फ लकड़ी की चिराई होती है। तो जब ये आवाज़ जाती थी ना लोगों को पहले वक्तों में, तो लोगों को पता चल जाता था कि चक्की चल गई है, आप दाने ले जाएं, आटे की पिसाई करा लेते हैं। ये लकड़ी वाली रेडी मुकम्मल हो चुकी है, लकड़ की चिराई हो गई है। ये अनवार साहब ने लकड़ मुन ली थी, इसकी चिरवाई करवाई है, और ये गधे गाड़ी पर लेकर जाएंगे अपने घर। तो ये आ रहा है यहाँ से लकड़ चिरवा लिया अनवार। अनवार भाई ने लकड़ चिरवानी थी, इसके पास पड़ी थी लकड़ ली थी इसमें, तो ये लकड़ चिरवाई आप घर ले जाएंगे सर्दियों के लिए, एडवांस लकड़ चिरवा कर रख रहे हैं जी। तो वीवर ये है मशीन जहाँ से वो बनते हैं पावे वगैरह। वहाँ लकड़ी की चिराई होती, यहाँ पावे बनते हैं, ये पावे वाली मशीन है, चार पाई के जिस पावे बनते हैं वो सामने खड़े हैं। ये मशीन है पावे बनाने वाली, जो पावे बनते हैं। तो ये फर्नीचर भी साथ साथ बनाते हैं, कुर्सी वगैरह ये वो।